अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, उम्मीद है ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों की बहुत ही प्यारी रेसिपी, बहुत मज़ेदार रेसिपी जो बहुत आसानी से बन सकती है। कोई मुश्किल इसमें, कोई मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। वही सर्दियों की सौगात जिसे कह सकते हैं, गाजर मटर, ये हमारे पास बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं और इससे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बन सकती हैं। तो आइए हम रेसिपी का आगाज़ करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 आलू हैं, 4 टमाटर हैं, 1 पाव मटर है, 1 प्याज है और 2 गाजर हैं, 1/2 टीस्पून जो है लहसुन का पेस्ट है, 2 हरी मिर्चें हैं और जो है 1/2 बाउल जो है वो मेथी है और 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है। मिर्ची मैंने बहुत कम ली है क्योंकि हमारे घर में कम खाई जाती है, या आपके टेस्ट के मुताबिक है आप जितनी डालें। मैं 1 हरी मिर्च भी ऐड करूँगी। जी, हम रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मैंने ऑयल डाला है, उसमें जो है वो जो 1 प्याज मैंने आपको बताई थी मैंने वो डाली है। इसको हम गोल्डन करेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, ये प्याज का जो कलर है ये गोल्डन हो गया। अब इसमें हम लहसुन जो मैंने आपको बताया था, अब हम ये ऐड करते हैं, इसका थोड़ा सा कलर गोल्डन हो जाए, फिर हम अपनी सब्जियाँ डालेंगे। अब हम इसमें जो मैंने आलू बताए थे वो डालते हैं। आलू थोड़ा सा हम जो है वो ऑयल में फ्राई करेंगे, उसके बाद हम तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद जो है वो मटर डालेंगे। उस वजह से मटर नए हैं, अगर हमने साथ ही मैंने इसके डाल दिए तो वो मटर ज़्यादा गल जाएंगे। ये अब हम इसमें जो टमाटर मैंने कट किए थे वो ऐड करेंगे। फिर इस तरह सा भूनने के बाद फिर हम जो है वो मटर ऐड करेंगे। ज़रा सा मैंने टमाटर जो है इसे फ्राई किया है, अब हम इसमें मटर डाल देंगे ताकि टमाटर का जो पानी है उसी में जो है वो मटर गल जाए। फिर इसके बाद जो है हम मसाले ऐड करेंगे जो मैंने आपको बताए थे। जी, अब हम इसे जो है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये जो है सॉफ्ट हो जाएगी हमारी सब्ज़ी। इसके बाद हम जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके बाद ऐड करते हैं। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी फ्रेंड्स, 10 मिनट्स हो गए हैं, अब हम देखते हैं काफ़ी हद तक ये जो है वो पक चुकी है। अब हम इसमें गाजर डालेंगे और मेथी डालेंगे। वाह, बहुत प्यारा कलर है, रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, देखें। अब हम इनको तकरीबन तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे। मैं आपसे 10 मिनट बाद मिलती हूँ। जी, 10 मिनट हो गए हैं, आप देखिए बहुत प्यारी जो है इसकी कलर बहुत प्यारा है, कॉम्बिनेशन देखें। और जो है हमारी जो सब्जी है वो हम चेक कर लेते हैं। जी, ये पक चुकी है हमारी सब्जी, रेडी है। जो ग्रीन चिली मैंने 2 काटी थी, एक मैं अभी भुनाई, ज़रा सी देर अब हम भुनेंगे इसको। अभी एक मैंने ऐड कर दिया है और एक हम गार्निश के लिए ऊपर से कर देंगे। आप देखें बहुत प्यारी लग रही है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है। जी फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सब्जी तैयार हो गई है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई उस टाइम के, इसमें जो मेथी है मैंने वो इतनी ज़्यादा ऐड नहीं की, उस वो इस वजह से कि अगर ज़्यादा मेथी ऐड हो तो उसका जो टेस्ट है वो कड़वाहट आ जाती है, तो इसलिए मेथी ज़्यादा ऐड नहीं की। हम इसमें मक्खन भी डाल देते हैं, इसका टेस्ट और दुबाला हो जाएगा। और जो है वो मिर्ची भी डाल देते हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है ये रेसिपी के बारे में। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।